हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनीता की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक छोला करी। यहाँ पे मैंने छोले भिगा के रख दिए थे रात भर और बहुत अच्छे से ये भीग चुके हैं और बहुत 2 से 3 सीटी में ये पक जाएंगे। और यहाँ पे साथ ही मैं पालक मैंने वॉश कर लिया है और इसको हम पालक हमारा वॉश कर दिया है, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे मैं छोले को बॉईल करने के लिए मैं कुकर में डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और काली मिर्च डाल दी हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। अगर हम बॉईल करने के साथ में इसको डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है। साथ ही हम इसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने पालक, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख दिया है और अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है इस तरीके से। अगर आप बनाएंगे पालक छोला करी तो बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे छोला हमारा बॉईल हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा छोला बॉईल हो चुका है। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली, इसमें तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा और एक चुटकी भर हींग का तड़का लगाएंगे। और ये देखिए, ये मैं बनाना शुरू कर रही हूँ इसको। बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों। बच्चे जैसे पालक खाने के लिए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं तो इस तरीके से हम बच्चों को पालक खिला सकते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं इसको। मैं बहुत बार ये रेसिपी बना चुकी हूँ अपने घर पे। अब यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट था तो इसको हम इसमें डालने लगे हैं। इसको हम हल्का सा भुनेंगे और इसके साथ ही साथ में अब हम जो प्याज मैंने ग्राइंड कर लिया था वो प्याज को भी हम इसके साथ में ही डालेंगे और उसको भी हम 4 से 5 मिनट तक के लिए भुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा यहाँ पे डल चुका है। अब हम इसको भुनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भुनेंगे। और ये देखिए, चलाते रहेंगे इसको ताकि हमारा प्याज जले ना। चलाते रहेंगे इसको बीच बीच में। और मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये देखिए, प्याज हमारा भून चुका है। साथ में मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और अब साथ में मैं जो टमाटर की जो प्यूरी बना दी थी वो टमाटर मैं इसमें डालने लगी हूँ। और इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने के लिए रखेंगे ताकि जो टमाटर का जो कच्चापन है वो हमारा निकल जाए और हमारी जो छोला बनने वाला है पालक छोले करी बहुत ही यम्मी बनने वाली है। टमाटर भी हमारा इसमें 4 से 5 मिनट तक के लिए हम इसको रखेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे। और फिर हम यहाँ पे अब इसमें मैं हम डालेंगे जो हम मसाले में इसमें यूज, अभी मैं इसमें सिर्फ धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये हमारा धनिया पाउडर डाल के 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पालक। पालक हमने इसमें डाल दिया। अब इस पालक को भी हम 5 से 7 मिनट तक के लिए इसमें पकने के लिए रखेंगे। चलाते रहेंगे इसको। पालक हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं सब्जी मसाला। मसाला इसमें हमारा पक चुका है और ये देखिए, अब हम इसमें छोले डालने लगे हैं। छोला हमारा गर्मा गर्म छोला हमारा बन के यहाँ पे तैयार है। नमक मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ और मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी थी। अदरक लहसुन का जो पेस्ट था उसके साथ में ही मैं इसमें हरी मिर्च डाल चुकी थी और बहुत ही यम्मी बनता है दोस्तों। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करिए और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। ऊपर से हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही यम्मी बनता है दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। ये देखिए, गर्मा गर्म छोला करी हमारा पालक छोला करी बनके रेडी है।